वाइव ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन लिक्विड। क्यों ऑब्जेक्ट जो होता है फ्लोट करता है मतलब तैरता है और क्यों सिंक कर जाता है, इसका क्या कारण है? देखिए, ग्रेविन इन ऑब्जेक्ट इज पुट इन लिक्विड। जब वाटर में ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं देन टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट, उस पर दो फोर्स लगता है। जैसे कोई भी बॉडी है वाटर में हम उसको रखें तो उस पर दो फोर्स लगेगा, एक तो अपना उसका वेट के कारण लगता है फोर्स, ठीक है, वेट के कारण फोर्स लगता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो वेट बराबर क्या होता है एम जी, जो नीचे की तरफ फोर्स लगता है। और वाटर के द्वारा क्या होता है, कोई भी बॉडी को यदि पानी में हम डालते हैं तो उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर में एक फोर्स लगेगा और जो ऊपर में जो फोर्स लगता है ऊपर की ओर, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड फोर्स, ठीक है, अपवर्ड फोर्स और या अप थ्रस्ट बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका बियॉन्ड फोर्स भी है। क्या नाम है? बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। तो कहता है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग एक्टिंग डाउनवर्ड, कोई भी बॉडी है उसका क्या होता है हमेशा वेट क्या होगा, डब्ल्यू से हम वेट को डिनोट किए हैं, वो हमेशा क्या होगा डाउनवर्ड में लगेगा। वी टेंस टू द पुल डाउन द ऑब्जेक्ट, जो क्या करता है ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने का कोशिश करता है, ठीक है, हमेशा। बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग अपवर्ड टेंस टू पुश अप द ऑब्जेक्ट, जब भी वाटर में बियॉन्ड फोर्स हमेशा नहीं लगते रहता है, जब उसको वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, कोई भी हो ऑब्जेक्ट को डालते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलते हैं आप थ्रस्ट बोलते हैं या उसको क्या बोलेंगे बियॉन्ड फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो जब वेट ऑफ द बॉडी डब्ल्यू से वेट ऑफ द बॉडी अप थ्रस्ट से ज़्यादा हो जाए अथवा बियॉन्ड फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, मान लो कि ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट हो गया अप थ्रस्ट फोर्स इसके द्वारा लगाया जा रहा है, वाटर के द्वारा लगाया जाता है किसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट डाला हुआ है उसमें, ठीक है। तो जब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो जाए बियॉन्ड फोर्स से तो बॉडी सिंक कर जाता है, ठीक है, लेकिन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वेट ऑफ द बॉडी, इसको बॉडी भी बोलो अथवा ऑब्जेक्ट भी बोलो जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है, जब वेट ऑफ द बॉडी और अप थ्रस्ट दैट इज बियॉन्ड फोर्स बराबर हो जाएगा तो क्या होता है बॉडी फ्लोट करने लगता है, इसमें क्या होता है फ्लोट करने लगता है, लेकिन बॉडी क्या होगा पानी के, मान लो पानी का ऊपर वाला लेयर है, ठीक है, ठीक है, ऊपर वाला सरफेस है, ठीक है, इसके तो क्या होगा यहाँ से फ्लोट करेगा, लेकिन यदि वेट ऑफ द जो बॉडी है उससे ज़्यादा हो जाए बियॉन्ड फोर्स तो क्या होगा इसमें फ्लोट करने लगेगा, किसके ऊपर, इसके ऊपर फ्लोट करने लगेगा, मतलब सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है, ठीक है। लेकिन जब वेट ऑफ द बॉडी और बियॉन्ड फोर्स बराबर होगा तो क्या इसमें फ्लोट करेगा, किसके अंदर, वाटर के अंदर फ्लोट करेगा, इसका बॉडी क्या होगा डूबा हुआ रहेगा वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है, तो याद रखिएगा कि बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा होता है तो क्या होता है वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा फ्लोट करेगा, नहीं तो क्या होगा बॉडी सिंक कर जाएगा मतलब डूब जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।